गया भाई बेसबॉल पिच, ये पूरा बनाया हुआ इन्होंने, आधा ट्रायंगल और आधा सेमी सर्कल। और ये है अपने यहाँ पे चर्च बोल रहे हैं यार, एक हो दिखेगी आपको जिसके लिए ना फेमस है, ये दिख रही है लाइट हाउस है, ये वाला दिख रहा है। तो 2.5 महीने हो गए मेरे को इधर, 2.5 महीने का एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आपको, क्या काम करना है कैसे करना है वो तो दुनिया में बता देगी यार। थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा कि भाई शहर ये है छोटा, सीधी बात है, इधर ना कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है, ये सारा शहर बेस्ड है यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिल जा रही है भाई, किसी ने क्यों नहीं मिली, मेरे को पहले हफ्ते में ही मिल गई थी, पहले या दूसरा पहले हफ्ते के बाद ही मिल गई थी, यहाँ 8-10 दिन में मेरे को जॉब मिल गई थी। ठीक है, छोटा शहर है, आओगे सिटी सेंटर है मेन एक, वहीं पे ही सारी शॉप्स हैं, जैसे मॉल रोड होता है वैसे ही है, सब कुछ आपको उधर ही मिलेगा। इंडियन स्टोर, यहाँ पे 2 इंडियन स्टोर हैं बस, ठीक है, वो भी बाहर के बंदे चलाते हैं, उसे इंडियन नहीं चलाते, तो मतलब नेपाल के, और नेपाल के बंदे चलाते हैं, तो वही सीन है। और सब कुछ मिल जाएगा आपको इधर, खाने पीने का काफ़ी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अकोमोडेशन मिल जाती है। यूनिवर्सिटी प्रेफर करती है कि पहले बच्चों को ढूंढ ले, तो कि बच्चों को मेरी बारी में यूनिवर्सिटी ने थोड़ी दिक्कत दी थी कि भाई पहले फ़ीस डिपॉजिट करा ली, फिर उन्होंने कहा कि पहले अकोमोडेशन प्रूफ दो कि अकोमोडेशन तुम्हारे पास बुक है तो फिर कैश देंगे, बस वो था कि। तो यहाँ पर काफ़ी हैं ऐसे अकोमोडेशन बुक करने के लिए, आप डालोगे अकोमोडेशन इन प्लेमाउथ नेट पे सर्च, तो काफ़ी वो अकोमोडेशन प्रोवाइडर आ जाएंगे। और या फिर है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखोगे, वहाँ पे अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, और एक स्टूडेंट यूनियन भी है, आप उधर कॉल करके मेल करके पूछ सकते हो कि क्या क्या अकोमोडेशन कौन कौन से प्रोवाइडर हैं वहाँ पे। स्टूडेंट यूनियन मतलब बच्चों की यूनियन होती है, पता ही आपको, तो वहाँ पे आप मेल करके पूछ सकते हो कि भाई मेरे को अकोमोडेशन चाहिए, वो हेल्प कर देंगे आपको। और वैसे है इधर काफ़ी कंपनीज हैं, मैं नाम तो क्या ही लूँ, मैं नाम कभी किसी को ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा, वैसे कंपनी है काफ़ी, मैं भी कंपनी के साथ ही रह रहा हूँ, कंपनी का ही ओन हाउस है, और काफ़ी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और कोई हेल्प चाहिए हो जब यूनिवर्सिटी है तो SU आओ भाई, स्टूडेंट यूनियन आओ, यूनिवर्सिटी में आओ, स्टूडेंट यूनियन है उधर, पूछो आप कि भाई ऐसे मेरे को अकोमोडेशन की हेल्प है या फिर किसी की हेल्प चाहिए, तुम्हें तो जॉब की चाहिए, तो वो बता देंगे कि। वैसे तो भाई बंदे ये बताते हैं इंडीड वगैरह पे आप ले लो, पर मैं इंडीड पे भी ढूंढ लो, पर कंपनी की वेबसाइट्स पे भी जाके, मैकडी की वेबसाइट पे जाके मिली थी भाई मेरे को जॉब। और आप सबसे पहले तो है आप वॉक इन दो भाई, वॉक इन जाओ सभी रेस्टोरेंट्स में, जहाँ पे भी बिना शर्माए भाई सिर्फ जाओ, और उधर अपना CV मांगते हैं, CV की सॉफ्ट कॉपी भी ले लो और हार्ड कॉपी भी ले लो, 5-10 ले लो हार्ड कॉपीज़ भी CV की, सिंपल सिंपल छोटा सा CV बनाओ एक पेज का, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं होता, उन्होंने बस पढ़ना है आपकी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो कितने, उन्हें पता ही होता है सब कुछ यार, कि स्टूडेंट क्या बच्चे, तो वो ज़्यादा इतना कुछ देखते नहीं हैं, ज़रूरत होती है तो वो रख लेते हैं, क्योंकि काम तो इन्होंने सिखाना ही है। और क्या सीन है, और आओ, सब कुछ मस्त है भाई, ऐसा नहीं है कुछ, थोड़ा जॉब का मैं कह सकता हूँ, जैसे जॉब तुमने शिफ्ट करनी है इधर वेयर हाउस का, मेरे को नहीं पता कुछ है कि नहीं, अगर किसी ने हेल्थ केयर देखनी है तो हेल्थ केयर की भी हैं, पर कम ही है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है हेल्थ केयर भी, और सब कुछ मतलब थोड़ी लिमिटेड है, जैसे बड़े शहर नहीं है, लंदन जाओगे, लीड्स जाओगे या बर्मिंगम जाओगे, है ना, यहाँ ऐसे किसी, या फिर और भी कोई काफ़ी शहर है जहाँ पे अलग अलग तरह की जॉब्स होती हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का भी कुछ नहीं इतना पता, क्योंकि मैंने देखा नहीं कोई सिक्योरिटी भी करता, ना किसी कोई बच्चे को पता है इंफॉर्मेशन, अभी मैं देखता हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ सिक्योरिटी का बनवा लूँ लाइसेंस, उसमें मेरे को सबसे पहले £300 की वो मिल रही है, ट्रेनिंग मिलेगी, तुम पास करो सर्टिफिकेट ले लो, पर उसके बाद तुम्हें क्लियर वो चाहिए अपना करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो तो इंडियन एम्बेसी से बनवाना पड़ेगा लंदन जाके,
तो वो सीन करना पड़ेगा मेरे को, देखता हूँ भी आगे। तो या फिर आपने अगर किसी ने सोचा कि भाई सिक्योरिटी करेंगे, सिक्योरिटी का आजकल बड़ा चला हुआ है कि काफ़ी बच्चे करते हैं सिक्योरिटी करते हैं या फिर होम केयर करते हैं, होम केयर को मेरे को पता नहीं, पर सिक्योरिटी का यही है कि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट जितना हो सकता है आने से पहले, यहाँ पे यूके आने से पहले लेटेस्ट से लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से, ठीक है। फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से बन जाता है आपका, उनकी वेबसाइट खोल लो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की, वहाँ से आपको बस अपॉइंटमेंट लेना है और अपने नज़दीकी किसी पता नहीं सेंटर होता है वहाँ पे जाना है और फिक्स वगैरह होती है कुछ बन जाता है। अब मेरे को इतना पता नहीं था, करेक्टर तो मेरे पास है पर वो थोड़ा पुराना है, मेरे को ये नहीं था कि पूरा आपको लेटेस्ट जल्द मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट चाहिए, वो नहीं मेरे को पता था। और मेरा काफ़ी पुराना था, मतलब 6-7 महीने पुराना था वो तो मेरे पास है, पर अभी देखते हैं आगे क्या पता, पर चेंज भी हो जाए, इस वक्त तो यही चल रहा है भाई। जॉब यार मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जॉब की, है ना, ढूंढने वाले पे है सभी। पहले जैसे मेरे को जल्दी लगी थी, सब कह रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी मिल गई जल्दी मिल गई, पर फिर उन्हें भी मिल गई यार, उन्हें भी 1-2 हफ्ते में सभी को मिल जाती है जॉब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह मिल जाती है, बंदे भी रह ही रहे हैं इधर, स्टूडेंट के सिर पे ही है सारा चला हुआ पूरा शहर, क्या है शहर में और कंपनी कोई है नहीं, फैक्ट्रियाँ कोई है नहीं, तो इसमें बस यही है यूनिवर्सिटी के सिर पर पूरा शहर चला हुआ है। इस शहर में बस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, बाकी सब कुछ ठीक है भाई, खाना पीना रहना सहना सब कुछ मज़ेदार है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। देखो मैं तो भाई वैसे भी अकेला रहता हूँ इधर, कोई कि ना कोई मतलब इंडियन है आसपास, ना कोई मेरे स्टोर्स हैं, मैं रहता हूँ इस तरफ सेंट्रल पार्क की तरफ। ये सेंट्रल पार्क की तरफ ज़्यादा इतनी शॉप्स वगैरह हैं नहीं, 1-2 हैं नज़दीक पर उनमें ग्रोसरी मिल जाता है, मतलब लिमिटेड सामान मिल जाता है। मैगी देखी थी मैंने भाई, मैगी थी इधर, अब वो पता नहीं कितने की होगी, 1-2 पाउंड की होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि सस्ती तो ये देने नहीं वाले। बाकी काफ़ी बच्चे रहते हैं मटले की तरफ, और मटले सामने वाला एरिया है मेरे, ये जो सामने एरिया है वो पार वो मटले ही है, वो है मटले, ठीक है, ये अजीब मटले, वो दूर है, नज़दीक लग रहा होगा पर दूर है, उधर रहती जनता ज़्यादा, मैं रहता हूँ इस तरफ दूसरी तरफ। पर भी मेरा ये फ़ायदा है कि मेरे पास पार्क है, मैं आराम से घूम फिर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ फ्री टाइम में, है ना, ये है मेरा फ़ायदा अभी। और पहले मेरे को स्टार्टिंग में पसंद नहीं आया, जब पता लगा कि बच्चे उधर रहते हैं ज़्यादा, पर अब तो मेरे को ये पसंद आ रहा है भाई। हाथ पकड़, हाथ में वो पकड़ा हुआ था ना फ़ोन, तो हाथ जम गया यार, हो हाथ जम गया, हाथ फ़ोन पकड़ा हुआ, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, ठंडी हवा है ये। चलें भाई साहब घर को, ठंड अभी तो मैं लेने आया था धूप, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ठंड, धूप तो है पर अब टेम्परेचर काफ़ी गिर गया है। मेरे सामने वाली तरफ से इतनी हवा आ रही है ना, उस तरफ समुंदर भी है तो वहाँ से इतनी हवा आ रही है ना, जानलेवा हवा। सुबह से 8 बजे से, तुम सोचो भाई 8 बजे से 7 बज गए हैं और मैं खड़ा ही हूँ, 8 से 7, 11 घंटे से मैं खड़ा हूँ भाई, अभी पैर भी हल्के हल्के दर्द कर रहे हैं मेरे, सच बताऊँ तो पहले नहीं कर रहे थे मेरे, तो भाई असली में तो अभी नहीं लग रही इधर ठंड, में आ गया नीचे वहाँ पे ऊपर ही पहाड़ी पे ठंड थी, पर गली में तो है हल्की सी पर उतना ही नहीं है अभी हवा। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।